डियर स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में सिक्सथ क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर थर्टी को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा जरूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर थर्टी प्रोनाउंस डू यू नो रिपीटिंग नाउंस कैन मेक अ सेंटेंस साउंड ओड दस वी यूज प्रोनाउन टू अवॉइड दैट फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको पिछली वर्कशीट में समझाया था कि जब भी हम किसी भी नाउन को बार बार रिपीट करते हैं तो वो सेंटेंस हमें ओड साउंड देता है यदि हम उसे पढ़ते हैं तो वो हमें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता तो इसीलिए जब हम रिपीटिंग नाउन की जगह एक वर्ड यूज़ करते हैं तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं ओके तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है जैसे जिग्नेश प्लेस क्रिकेट जिग्नेश इज द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम जिग्नेश वेल। जिग्नेश इज ऑल्सो द विकेट कीपर ऑफ द टीम जिग्नेश इज़ ऑल्सो गुड इन स्टडीज़ जिग्नेश लव टू रीड बुक देखिए यहाँ पर जिग्नेश क्या है नाउन यहाँ पर बार बार हम इस नाउन को यूज़ कर रहे हैं तो हमें सेन्टेंस को पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा ओर सेंटेंस लग रहा है हमें सेन्टेंस गलत लग रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जिग्नेश को हटा उसके प्लेस पर प्रोनाउन यूज़ कर देंगे तो देखिए जिग्नेश प्लेस क्रिकेट

नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर वन चूज प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे मी अस यू ही हर इट डे और यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है आपको क्या करना है आपको उस सेंटेंसेस में जो वर्ड अंडरलाइन है उसके प्लेस पर प्रोनाउन लगाना है तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं प्रोनाउन लगाते हैं देखिए क्या है माई नेम इज़ रेणुका यू कैन कॉल रेणुका रेनू तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे रेणुका के प्लेस पर मी लगेगा यहाँ पर तो लिखिए माई नेम इज रेणुका यू कैन कॉल मी रेनू द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज द बेबी वॉज हंग्री तो देखिए यहाँ पर बेबी अब बेबी ही भी हो सकता है शी भी हो सकता है तो so, यहाँ पर शी बॉक्स uh, में नहीं था तो so, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे ही द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉज हंगरी डोंट टच दैट नाइट द नाइट इज वेरी शार्प अब नाइफ क्या है थिंग है तो थिंग के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं इट प्रोनाउन लगाते हैं तो यूज़ कीजिए डोंट टच द नाइफ इट इट इज़ वेरी शार्प नेक्स्ट है आई इन्वाइटेड एन आई इन्वाइटेड अनु राम एंड गीता टू द पार्टी बट अनु राम एंड गीता डिड नॉट कम अब यहाँ पर तीन नाउन है अनु राम एंड गीता इन तीनों के प्लेस पर प्लूरल प्रोनाउन क्या बनेगा दे बनेगा तो हमें क्या लगाना है यहाँ पर दे लगाना है तो सेंटेंस बनेगा आई इन्वाइटेड अनु राम एंड गीता टू द पार्टी बट दे डिड नॉट कम तो हमने यहां पर कौन सा प्रोनाउन यूज किया दे नेक्स्ट है जेम्स प्लेज बास्केटबॉल जेम्स ऑल्सो प्लेज टेनिस तो जेम्स की जगह एक बॉय है बॉय का नेम है तो यहाँ पर हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे ही जेम्स प्लेज बास्केटबॉल ही ऑल्सो प्लेज टेनिस तो प्रोनाउन कौन सा यूज करना है आपको ही नेक्स्ट है द टीचर टोल्ड माई क्लास दैट वी कुड प्ले इन द प्ले ग्राउंड तो यहाँ पर माई क्लास की जगह हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे अस द टीचर टोल्ड अस दैट वी कुड प्ले इन द प्ले ग्राउंड तो यहाँ पर प्रोनाउन लगाना है आपको अस नेक्स्ट है शीतल इज माई बेस्ट फ्रेंड आई गो टू स्कूल विद शीतल तो शी ए गर्ल है गर्ल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं हर तो आपको लगाना है she, uh, शीतल इज माई बेस्ट फ्रेंड आई गो टू द स्कूल विद हर तो स्टूडेंट इस तरह से हम नाउन के प्लेस पर जो वर्ड यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं नेक्स्ट देखिए सेकेंड सेंटेंस सेकेंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रोनाउंस यहाँ पर आपको प्रोनाउंस फिल करने हैं देखिए फर्स्ट में क्या है जैसे हु इज दैट बॉय डैश इज रोहित अब देखिए बॉय है यहाँ पर बॉय का नेम भी आपको गिवन है रोहित तो बॉय के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं ही या शी तो ही लगाते हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा हु इज दैट बॉय आंसर क्या है ही इज रोहित नेक्स्ट देखिए हु इज दैट गर्ल यह लड़की कौन है गर्ल गर्ल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं ही या शी शी लगाते हैं तो लिखिए शी इज मीना नेक्स्ट है थर्ड हु आर डैश डैम या दे अब देखिए आर है तो प्लूरल प्रोनाउन लगेगा यहाँ पर तो हु आर दे अब यहाँ पर आंसर गिवन है दे आर माई अंकल एंड आंट तो यहाँ पर हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे हमेशा प्लूरल के लिए हम दे प्रोनाउन लगाते हैं तो हु आर दे नेक्स्ट है थर्ड फोर्थ वेयर डू दे लिव डैश लिव इन दिल्ली अब देखिए वेयर डू दे लिव तो दे लिव इन दिल्ली इसका आंसर हम क्या करेंगे उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है वेयर डू दे लिव वे कहाँ रहते हैं तो हम क्या करेंगे कि वो दिल्ली में रहते हैं तो यही तो हमें आंसर करना है तो आपको लिखना है दे लिव इन दिल्ली प्रोनाउन यूज कीजिए दे नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रेन बच्चे रेन में खेल रहे हैं कॉल डैश इन साइड उन्हें अंदर बुला लो उन्हें तो अब चिल्ड्रंस हैं प्लूरल प्रोनाउन है तो हमें कौन सा प्रोनाउन लगाना है डैम द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रेल कॉल दैम इन साइड उन्हें अंदर आने के लिए बोलिए नेक्स्ट है पॉइंट नंबर सिक्स वी मस्ट आस्क डैश दे डैम टू कम इन साइड फास्ट अदरवाइज डैश दे डैम माइट फॉल से वी मस्ट आस्क डैम टू कम इन साइड फास्ट उन्हें जल्दी से अंदर आने के लिए कहिए अदरवाइज नहीं तो दे माइट फॉल सिक वह बीमार हो जाएंगे सिक का मतलब होता है बीमार हो जाना तो देखिए यहाँ पर आपको कौन सा प्रॉब्लम लगाना है We must ask them. अब यहाँ पर हम उनसे टॉक कर रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं उन्हें एडवाइस कर रहे हैं तो यहाँ पर दे, दे प्रोनाउन नहीं हो सकता क्योंकि दे जो प्रोनाउन है वो एज ए सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं यहाँ पर प्रोनाउन हमें एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करना है क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारे पास गिवन है यहाँ पर वी तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन लगाना है तो वो कौन सा प्रोनाउन है देम We must ask them to come inside fast. Otherwise, they might fall sick. इक तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम नाउन को हटाकर उसके स्थान पर जो वर्ड जो अक्षर यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं देखिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि हमेशा बॉय के लिए हम प्रोनाउन ही लगाते हैं गर्ल के लिए हम प्रोनाउन शी लगाते हैं किसी भी एनिमल के लिए किसी भी थिंग के लिए हम प्रोनाउन इट लगाते हैं यदि प्लूरल प्रोनाउन हमें लगाना है तो हम दे लगाते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में यदि प्लूरल प्रोनाउन हमें एज ए ऑब्जेक्ट लगाना है तो हम डैम लगाते हैं तो स्टूडेंट्स आप इन सारे रूल्स को साइड बाय साइड अपने नोटबुक में लिखते जाइए ताकि आपको प्रोनाउन के रूल साथ के साथ लर्न हो जाएं और साथ के साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहें तो स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई है इसमें हमें कुछ नहीं करना सिर्फ इस वर्कशीट में हमें क्या ध्यान रखना है कि नाउन के स्थान पर जौन से भी वर्ड हम यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को उन शब्दों को उन अक्षरों को हम प्रोनाउन कहते हैं आपको यूज करना है जैसे आई मी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है और ही शी इट दे ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं इन सबको रूल वाइज अपनी कॉपी में नोट करना है तो ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सोल्यूशन उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव नाइस डे